और बड़ी खबर, बदायूं से बदायूं हत्याकांड का दूसरा आरोपी गिरफ्तार हो गया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने आरोपी जावेद को बरेली से गिरफ्तार किया। बदायूं में दोनों बच्चों की हत्या के बाद से आरोपी जावेद फरार था और पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था और अब पुलिस ने उसको पकड़ लिया है। बरेली से पूरी गिरफ्तारी हुई है। किस तरीके से कल इस जघन्य अपराध को यहाँ पर अंजाम दिया गया, और ये दो भाई ही थे, जावेद के अलावा उसका एक और भाई था साजिद, जो अचानक से घर में पहुंचता है और घर में जाकर वो दो बच्चों की हत्या कर देते हैं। मैं तुरंत वहां से आया बदायूं के लिए, वहां पब्लिक बहुत थी, मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधे बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ, देखो मैं देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था, मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। मेरा नाम जावेद है ना, मेरा नाम आईडी तेरे आधार क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा तुम्हारा? बदायूं जिला। ऐसा क्यों किया यार? ये तो नहीं था मेरे क्यों करा, मतलब कोई तो वजह हुई होगी। जिस घर में मर्डर हुआ है ना, वहाँ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे हमारे, लेकिन आज तक ये ही नहीं पता चला। मैं खुद कितने बच्चे मारे, प्रतिबद्ध है निश्चित तौर पे। हर बात पे राजनीति करने से समाजवादी पार्टी को बाज आना चाहिए। हमने निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से जो भी कार्रवाई होनी चाहिए उस केस में हो रही है। सच्चाई यही है, मैं आपका फिर से रुख करती हूँ, सच्चाई यही है कि इस मुद्दे पे राजनीति तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जरूर पता करना जरूरी है कि क्या पुलिस का इकबाल यूपी में है, क्योंकि दो मासूम बच्चों की जान जाना कोई मामूली बात है नहीं। आयुष और अहान की निर्मम हत्या के बाद उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। बच्चों की मां ने योगी सरकार से दूसरे फरार आरोपी के भी एनकाउंटर की मांग की है। परिवार एक सुर में कह रहा है, एनकाउंटर कीजिए और साथ ही साथ ये पता लगाइए, जावेद को पकड़िए, पता लगाइए उसने हत्या क्यों की। बस इंसाफ चाहिए हमें जावेद के लिए। जावेद मुझे चाहिए, हमारे सामने चाहिए, पूछताछ हमारे सामने करवाई जाए और फिर उसकी हत्या भी हमारे सामने होनी चाहिए। जब तक उसे सामने नहीं देखेंगे तब तक हम कुछ नहीं है। हमारे बच्चे काटे तड़पा तड़पा के, मारे भगा भगा के, वैसे मुझे चाहिए। मुझे वो भी मुझे नहीं, हमारे बच्चे हमने पैदा किए, हमसे पूछो। हमने बड़े ऑपरेशन से 3 बच्चे किए, हमारा पेट दर्द कर, मैं दर्द भूल गई बच्चों के भी। आप बाहर निकलते हैं, समाज में रहते हैं, कभी कोई बातचीत हुई उनसे या कैसे दुकान पे जब आना जाना था तो किस तरीके के बात व्यवहार आपके साथ रहता था? नहीं, जो दुकान है उसके यहाँ जाते थे, कभी ऐसा व्यवहार ना किया था उसने, और ना हमारा व्यवहार कोई गलत था। वैसे ही था, खाली पैसे आया था लेने, बस पैसे दिए, मतलब हमने उससे बोला था, एक बार हमने और दिए थे उससे पैसे, तो उसने वापस भी कर दिए थे हमारे दूसरे दिन के लिए जी। तो बहुत लगभग 2-3 महीने पहले की बात है। उसके बाद ना आता हमारे कुछ भी नहीं था कोई भी, क्योंकि हम अपने गेट ही खुद ही बंद रखते थे, मतलब जो कि हमें क्या करना किसी से। और आती है तो लेडी ही आती है हमारे यहाँ दुकान पर, ऊपर पार्लर भी है, तो वो तो बच्चे के चक्कर में ऐसा था, तो उसे पैसे दिए गए थे। पैसे देने के बाद जो है वो अपने अंदर किचन में आ गई थी, उसके बाद वो लड़के के साथ वो फसला के लिए उसे लेके चला गया ऊपर, उसका उसने खत्म कर दिया। दूसरा वाला जो बच्चे जा रहा था पीछे से, उसे पानी की व्यवस्था करी थी, मतलब कि पानी ले आओ भैया थोड़ा पानी पिला दो मुझे, तो वो पानी लेके गया था छोटा वाला, तो उसने उसे भी मार दिया। तब पीयूष जो गया था देखने के लिए, भैया नहीं आया अभी हमारा, जब उसने देखा है कि वहाँ कत्ल कर दिया उसका, वो काट रहा है उसे, तो भाग के आए कि वो मम्मी ऐसे मार रहा है उसे, भैया उसको भैया ही कर रहा था वो, कि भैया उसको मार रहा है भैया को, तो ये गए देख, यहाँ देखा तो वो चाकू लेके भाग के आया, तो पीयूष नीचे भाग गया, तो देखे वहाँ सब खून में लथपथ था वो, तो ये चिल्लानी है बाहर मम्मी गई भाग के, तो गेट बंद किया है, तब तो वहीं से जो है फिर व्यवस्था ले, चिल्लाए प्रधान जी वगैरह आ गए हैं वहीं। मैं सीधे रुख करूंगी अपने सहयोगी अमित का। अमित के साथ यूपी सरकार के मंत्री भी हैं। अमित, आप परिवार की बातें सुन भी रहे थे और मासूम बच्चों की मां एक सुर में कह रही है कि अगर जावेद पकड़ा भी जाता है तो मेरे सामने लेकर आइए, जो पूछताछ होगी वो मेरे सामने हो, ताकि मुझे पता चल सके कि हुआ क्या था।
जी हाँ बिल्कुल, सीधे हम दानिश भाई से बातचीत कर लेते हैं कि दानिश भाई जो हमने अभी माँ को सुना, उनके पिता को सुना, दोनों लोग कह रहे हैं कि जो दूसरा आरोपी है जावेद उसको पकड़ के उनके सामने लिखे कि आखिरकार इस तरीके के नृशंस हत्या को अंजाम क्यों दिया गया। देखिए इस घटना में हमने बताया कि हम सबकी संवेदना उस परिवार के साथ है, निश्चित तौर पर अलग अलग टीमें भी लगाई गई हैं और जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगा आप सबको उससे अवगत कराया जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाली सरकार है। हम पूरी ईमानदारी से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए काम कर रहे हैं और कहीं भी कोई भी घटना हो हम उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं। इस घटना में जो भी नेसेसरी एक्शन लेना चाहिए वो त्वरित और तुरंत हमारे प्रशासन ने लिया, पुलिस प्रशासन ने लिया। लगातार अधिकारियों के टच में भी है, लगातार बातचीत। देखिए हमारा जो प्रशासन है वो उसको देख रहा है और जो भी डेवलपमेंट होगा प्रशासन आप सबको अवगत कराएगा। तो प्रशासन लगातार अवगत कराएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस की जो चार टीमें हैं वो लगातार रेड कर रही हैं, एसओजी की टीम अलग से रेड कर रही है चारों जो आरोपी है जावेद उसको गिरफ्तार करने के लिए। और दावा है उत्तर प्रदेश सरकार का या उत्तर प्रदेश प्रशासन का कि जल्द से जल्द ये दूसरा आरोपी जावेद को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मोटिव क्या है इस पूरे हत्याकांड का वो निकलकर सामने आ जाएगा। जी ठीक है, फिलहाल शुक्रिया। लेकिन बड़ी बात इस वक्त हम आप दर्शकों को बता रहे हैं, ये घटना वाकई ऐसी घटना है जिसने पूरे देश को सकते में ला दिया है कि दो मासूम बच्चों की जान इतने निर्मम तरीके से कैसे ली जा सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर नजर डालेंगे। यूपी के बदायूं में दो मासूम भाइयों की निर्मम हत्या मामले में इस वक्त बड़ा पर्दाफाश हो चुका है। एक एक करके हम आपको बताएंगे। आरोपी साजिद ने आयुष और अहान पर 23 बार वार किया था। फिर से सुनिए आप, 23 बार वार किया था उसने चाकू से। साजिद ने धारदार हथियार से गर्दन पर वार करने के बाद दोनों मासूमों के सीने, पीठ, हाथ और पैरों पर कई वार किए थे। यानी जब तक उसको तसल्ली इस बात की नहीं हो गई कि इनकी जान चली गई है तब तक वो ताबड़तोड़ वार करता रहा मासूम बच्चों पर। मासूम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पर्दाफाश हो चुका है। आयुष के शरीर पर 14 और अहान के शरीर पर 9 जख्म थे। वहीं एनकाउंटर में मारा गया साजिद की पोस्टमार्टम में 3 गोली लगने की पुष्टि हुई है। इस हत्याकांड का दूसरा आरोपी जावेद इस वक्त भी फरार है। पुलिस ने उसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित कर रखा है। आरोपी जावेद की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लेकिन इस वक्त जो बड़ा खुलासा,